गाइस बाइक क्रैश हो गई यार, बर्फ के ऊपर से पीछे बर्फ थी, बर्फ पे से बाइक स्लिप हो गई यार, शिट। और सुपर बाइक्स लेके तो हम पहले बंदे हैं जो वहां पे जा रहे हैं, लिटरली बता रहा हूँ। देख रहे हो क्रैश गार्ड की हालत, देख यार इधर इधर आ, एग्जॉस्ट तो नहीं नीचे लगा गाइस, ये देख रहे हो एग्जॉस्ट भी नीचे लग गया यार, शिट। गार्ड पूरा खत्म हो गया यार, क्रैश गार्ड पूरा रगड़ हो गया, टूट भी गया, देख इधर क्रैश गार्ड टूट गया, ये देखो चढ़ गई गाइस। हाँ यार ये देख रहे हो, ओ हो भाई इसको बोलते हैं जन। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है तुम सबका, आई होप तुम सब बढ़िया ही होगे यार। सो गाइस मेरे मुंह का अवॉइड करना, ऐसा लग रहा है रात भर भिगो के रखा था मुझे चने की तरह, सूझ गया हूँ यार। एक्चुअली रात को लेट सोए थे, ऐसे नींद भी नहीं पड़ रही थी बिकॉज -5 डिग्री टेम्परेचर चला गया था अभी तक, मतलब सुबह धूप निकली है ना अभी, देखो ये देख रहे हो सैम भाई हमारे यहाँ पे धूप ले रहे हैं, मतलब इस टाइम पे धूप निकली है, इतनी तेज भी नहीं कह सकते धूप निकली है, बट शिवर टाइप हो रहा है शिवर। तो अंदर मैंने सबको जगा दिया हुआ है, सबसे पहले मैं ही उठा था, तो अभी इनको जगाया है, चलो अंदर का हाल दिखाता हूँ, तो मैं रूम का क्या किया हुआ है, ठीक है। ओके सो गाइज ऐसा कुछ हाल है रूम का, ये देख लो यहाँ पे एक लाश सोई थी और वहाँ पे तीन बंदे सोए थे गुलू मुलू करते करते। वहाँ पर गाइज तुम्हें बता दूँ ना, सर्दी इस लेवल की है ना कि फट रही है यार, कोहरा लग रहा है इस टाइम 11:30 बज रहे हैं, बट सर्दी इतनी ज़्यादा ना तुम सोच भी नहीं सकते हो। अभी मैंने अपनी बाइक की कील आई है, सो इसको चल के कोल्ड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कल वाले वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताओ, थोड़ा लंबा हो गया था बिकॉज यार तुम्हें पूरी जर्नी दिखानी थी यार, सो अगर तुम्हें और लंबा वीडियो देखना तो कमेंट करना, ठीक है। ये देखो हमारा एलिवे कुछ ऐसा है, ठीक है। तो अभी निकल रहे हैं यहाँ से नीचे, बाइक के पास जाएंगे, कोल्ड स्टार्ट मारेंगे बाइक को अच्छा सा, अब देखते हैं गाइस -5 डिग्री रात में टेम्परेचर क्या आई थी और उसके बाद हमारी सुपर बाइक्स कैसा परफॉर्म करती है, मतलब कैसा क्या क्या इसमें दिक्कत आती है, अगर आएगी तो बताएंगे, नहीं आएगी तो वो भी बताएंगे, ठीक है। तो अभी पहले देखते हैं कि कोल्ड स्टार्ट होती है या नहीं होती है, बिकॉज डीजल कार्स का मेरे को पता है कि उनमें डीजल ना जम जाता है इतनी सर्दी में, सो पेट्रोल का अभी देखना है अपने, फ्यूल पंप चालू करने अपने, उसके बाद पता चलेगा कि सीन क्या होगा। सो ये भी एक नया एक वो हमारे लिए एक्सपीरियंस है। ओके सो गाइज ये रही अपनी बाइक्स यहाँ पे, सो अभी देखते हैं कोल्ड स्टार्ट करके कि होती है या नहीं होती है, ठीक है। ओके सो गाइज अभी करते हैं अपनी 0-100 को कोल्ड स्टार्ट एंड देखते हैं होती है पहली बार में या नहीं। सो ये हुआ अपना फ्यूल पंप ऑन, ये हो गया ऑन एंड लेट्स सी गाइज। देख रहे हो दोनों बाइक्स की कोल्ड स्टार्ट स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो अभी कोल्ड स्टार्ट होता है तो उसके बाद गर्म हो जाएगा ना, जब उसके बाद गाइस आपको मिलते हैं। गन देख रहे हो हालत, देखो टायर्स की गाइस, ये देखो मतलब इतनी गंदी हालत हुई थी ना, चीकड़ ही चीकड़ है यहाँ पे। सो गाइस अभी मेरा का एक ही बार चढ़ा हुआ, ये देख रहे हो मतलब बहुत ही धीमे तरीके से कोल्ड स्टार्ट हो रही है यार, अभी रैप कर रहा है। सो फाइनली गाइस अब हो रहा है रेव करने की बारी आ चुकी है, ये चेक करो भाई। अभी सुनो कोल्ड स्टार्ट का गंदे वाला गाइस बैक फायर, 200 रुपए तेल दो भाई, बोल रहा है 200 रुपए तो तेल के लिए। अभी कोल्ड स्टार्ट हो चुकी है तो चलो इसको भी रेव करते हैं। गाइस वो देख रहे हो वहाँ पे, वो देखो बर्फ। और अभी का सीन बता दूं तुम्हें, अभी जा रहे हैं फिलहाल खाना ढूंढने बिकॉज यहाँ पे खाना शाना कुछ नहीं मिल रहा है, मतलब रात को भी ठंडा खाना मिल रहा है, ठंडा ब्रेड पकौड़े, चाय मंगाई, चाय ही गर्म थी सिर्फ, वो भी गीजर के पानी में रख के गर्म किया हमने।
बाकी ठंडा गर्म करके आपको कुछ नहीं देंगे यहाँ पे, ठीक है, ठंडा ही मिलेगा। तो अभी देखते हैं कुछ मिलता है ब्रेकफास्ट के लिए, तो ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद नीचे एक जगह है लेक आती है, तो उधर लेक में जाने वाले हम, लेक जो ही हम लेक में जाएंगे उधर पे फिर जो भी वहाँ पे होता है वो आपको दिखाते हैं, देन यहाँ से निकलते हैं अपनी लोकेशन की। और वो क्या है, पहले यहाँ से हम ये सारा कवर करते हैं उसके बाद निकलते हैं। ओके गाइज, ये देख लो, ये यहाँ पे लेक है, छोटी सी लेक है, इतनी सी टुच्ची सी। अभी एक बंदा नीचे गया हुआ है हॉर्स राइडिंग करने, हमने करनी नहीं थी यार, मतलब कौन करता हॉर्स राइडिंग यार, ऐसे डुच डुच डुच्ची जो होता है उससे हॉर्स पे। हमने हमने जाना है भदरवा, जहाँ से सनासर से भदरवा लाइक 150 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट रख लो तुम, सो आई डोंट नो कब पहुँचेंगे, दो ऑलमोस्ट बज चुके हैं, तो इनके हॉर्स राइडिंग के चक्कर में लेट हो जाएगा गाइस, क्या बोलते हैं भाई, है ना, लेट हो जाएगा, आज भी हम अंधेरे में पहुँचेंगे। तो चलो देखते हैं जल्दी से जल्दी ये निकलने की कोशिश करते हैं, बाइक्स में पेट्रोल भी नहीं है, इतना सा भी पेट्रोल नहीं है, दो पॉइंट्स बचे हैं बस, वो भी जाके रिफिल कर। गाइज अभी राइड कर रहा था घोड़ा, और घोड़ा रुकाया ना और उतर रहा था, गिर गया नीचे में, माँ की कसम बड़ी लगी है। ये देखो ये हमारा गाइज, ये हमारा घोड़ा था, देखो कितना प्यारा है, ये देखो नाम भी बोल, हाँ वो बात भी है, चुलबुल पांडे नाम है, चुलबुल पांडे गाइज, इसका नाम चुलबुल पांडे है। तो गाइज अभी बाइक्स निकाल रहे हैं, वो निकाल रहा है मेरी, एंड में निकाल रहा हूँ दूसरे की बाइक यहाँ से, यार ओए मेरे साथ साथ चल। गाइज भुट्टू को अभी पूरा नहीं ना मतलब हैवी बाइक्स का सीन पता है, तो आराम आराम से, आराम आराम से, अगली नहीं देना, अगली नहीं देना। तो भाई यहाँ से देखो पथरीला इलाका है ना, तो बाइक उतारने में बड़ी दिक्कत होगी यहाँ से, इसकी बाइक भी उतार ली मैंने, अब ये पीछे से मेरी लेके आ रहा है भाई आराम से। तो निकलते निकलते पूरे 4 बज गए, एंड अभी निकल रहे हैं, अब आई डोंट नो भदरवा कब पहुंचेंगे, शायद रात में पहुंचेंगे, एंड आई डोंट नो व्लॉग आएगा नहीं आएगा, फिलहाल निकलते हैं इधर से गाइज, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। चलो गाइज 4 बज गए ऑलरेडी, एंड 4, 5, 6, 7, 8, 9 बजे पहुंचेंगे गाइज भदरवा, एंड आई डोंट नो स्टे मिलेगा वहाँ पे, नहीं मिलेगा, होटल्स का क्या सीन है मेरे को कोई आइडिया नहीं है, बस फिलहाल इतना पता है कि यहाँ से निकल रहे हैं, और वो भी फाइनली निकल रहे हैं यार। अरे भाई ने तो कल हद ही कर दी थी ना, पूरे 25 मिनट का व्लॉग डाला यार। ओके गाइज XP95 मिल गया यहाँ से, वहाँ से यहाँ तक आए थे गाइज, देखते हैं कितने का डलता है फ्यूल, 1000 का हो गया गाइज, पैसा मांगती है ये मशीन। सो गाइज फाइनली ये देख रहे हो पहुंच गए यहाँ पे, और ऐसे आया ना भाई उड़ते उड़ते आए, तुम देख रहे हो मैंने टायर कहाँ तक यूज किया अपनी 900 का, ये देखो यहाँ तक, और इसने देखो यहाँ तक यूज किया हुआ है भाई, तुम्हें नीचे दिखा दूं, वाह यार ये देख रहे हो, ओ हो भाई इसको बोलते हैं जन्नत, पीछे का नजारा देखो गाइस, इसे बोलते हैं द माइटी चिनाब भाई। ये देखो लेट तो हो गए हम, बट चलो कुछ नहीं यार, पहुंचना तो है हमने वहां पे, बट मैंने सोचा अंधेरा हो जाएगा तो आपको व्यू वगैरह दिखा तो पाएंगे नहीं, तो इससे अच्छा पहले ही आपको व्यू थोड़ा दिखाते हैं, एंड दिखाते हैं टीजर, समझ रहे हो ना कि कहां जा रहे हैं हम, किस लेवल की जगह है यार, ये देख रहे हो, ओ बाप रे। सो गाइस अभी हमने इसकी जो है ना ये इसके ऊपर ब्लैक फिल्म लगी थी वो उतार दी है, बिकॉज़ इसका वो वर्क नहीं कर रही है वो वाली, तो अभी निकलते हैं गाइस यहां से। सो चलो द नेक्स्ट डे, सो हेलो गाइस वेलकम बैक गाइस, देखो रात को हम ज्यादा शूट कर नहीं पाए बिकॉज़ यार अंधेरे में आए और रात के 10 बजे यहां पे पहुंचे, और रास्ते में इतने खतरनाक खतरनाक सीन है ना, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मतलब ये देखो मैं तुम्हें पहले लोकेशन बताता हूं गाइस, ये देखो ये पूरी एक वादी है, अभी तो मैं इधर से थोड़ा ही दिखा रहा हूँ, ये फिलहाल हमारा होटल है, यहाँ ब्रेकफास्ट वगैरह किया है, सो अभी बाहर निकलेंगे, देन आपको दिखाता हूँ सारा सीन कि कहाँ पे आए हैं, क्या सीन रहने वाला है, सर्दी है इधर थोड़ी, बट आपको अभी लेके चलेंगे बर्फ वाली जगह पे, मजा आने वाला है, ठीक है, हमारे बच्चे ने बर्फ पे जाना था तो इसको बर्फ पे लेके जाएंगे, तो चलो अभी ये गाइस ये देख लो, ये एक रूम ऐसा था कुछ हमारा, एंड ये दूसरा रूम यहाँ पे ऐसा था, ये देख रहे हो, तो यहाँ पे तैयार वगैरह हो रहे हैं, तो यहाँ से गाइस यहाँ से बाहर का व्यू तुम्हें बताता हूँ, ये देखो उस साइड से तो तुमने देखा, इस साइड से कुछ ऐसा भी है, नीचे बालकनी टाइप है, सो चलो अभी निकलते हैं यहाँ से जल्दी जल्दी, पैकिंग हो गई है, मैं राइडिंग जैकेट डालता हूँ, तो बैग मेरा यहाँ पे है, सो निकलते हैं गाइस। ओके और क्या चल रहा है, तूने जान खाई है माँ की कसम, भाई ठीक हो, क्या हाल है, ठीक हो, क्या चल रहा है, ओए खिंचा करो मेरे फोन ला रहे खिंचा,
ओके ब्रो, नाइस टू मीट यू। गाइस मार्केट को लीव कर दिया, अब यहाँ से अब तुम्हें आगे दिखाएंगे ट्रेलर की हम जा कहाँ रहे हैं, ठीक है। देख रहे हो एक्चुअली यहाँ पे सनासर के मुकाबले ना बहुत ज्यादा कम ठंड है यार, सनासर में बहुत ज्यादा ठंड थी। एंड तुम्हें अभी तो ये ट्रेलर है गाइस, ऊपर चलो तुम्हें बर्फ में लेके चलेंगे, ऐसी बर्फ तुमने कहीं भी नहीं देखी होगी यार। 25 टू 30 किलोमीटर होगा जहाँ पे हम जाने वाले। पहले ऊपर जैसे रुके हम दो लोकेशन चेक करेंगे, जहाँ पे हमें लगेगा कि ज्यादा स्नो है उसी साइड जाएंगे गाइज। एंड भाई बहुत मजा आएगा, इतना तो मैं गारंटी दे रहा हूँ गाइज आप सबको। सो गाइज अभी यहाँ पे रुके थे एंड हमें यहाँ पे एक ये थोड़ा सा दिखाया, देखते हैं अब गाइज इस चढ़ाई पे ये सुपर बाइक और ये सुपर बाइक चढ़ सकती है। मैं ऊपर चलता हूँ और दिखाता हूँ तुमको गाइज, ठीक है। ये देखो गाइज कितना नीचे तुम देख रहे हो, इसी से तुम्हें आइडिया लग रहा होगा कि ये कितना डाउन है। सो अभी ये ऊपर चढ़ने की ट्राई करता है इधर से, ठीक है। तो इधर से डायरेक्ट सीधा रास्ता उधर से निकलेगा, ठीक है। सो चलो सबसे पहले 1000 आएगी यहाँ से, लेट्स सी गाइस कैसा रहता है सी। वाह गाइस उधर 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 उधर, वाह चढ़ गई गाइस, इधर इधर से चढ़ा, इधर से ऊपर है यार ये देखो, आजा 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 उस साइड रख, उस साइड रख गाड़ी, चल चल वो देख वहां पे रास्ता, चलो 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 इधर से ऊपर। हाँ वो वही गिरा था यार अभी, ये मैं चढ़ाता हूँ यहाँ से ऊपर, 1000 चढ़ चुकी है, लेट्स मूव। अब मेरी बारी है गाइस, चढ़ पाएगी नहीं चढ़ पाएगी यहाँ से देख रहे हो। मतलब हम ऐसे सिधरा विधरा में ये नहीं करते गाइस, जहाँ पे भी मौका मिल जाए ना वहाँ पे हमारा यही काम होता है। चलो गाइस 1 2 3 बूढ़े बाबे की मशीन। ओ वाह गाइस देख रहे हो, अभी तो जो थोड़ा देख के चलना पड़ेगा, इंजन नीचे ना लग जाए यार। गाइस डायल है तुम्हारे भाई की यार, एक बार भी नहीं रुका और ये चार बार रुका, चार बार हर जगह फंस जाता है। एलपी ट्रक है यार, रुक निकलता ही नहीं कहीं से। इन पहाड़ों में ना मजे से भगा रहे हैं यार, बट जितना तुम्हें इसमें मजा दिख रहा होगा ना उतना ज्यादा खतरा भी है इसमें, बिकॉज यार तुम्हें पता नहीं अगला मोड़ कब खत्म हो रहा है, समझ रहे हो ना। और कितने ज्यादा ये और कितने ही ज्यादा ये है तीखे कर्व्स है, देख रहे हो ना तुम। तो अभी तो गाइस फुल पावर, हम ऊपर जब पहुंचेंगे ना तो ऊपर का जो व्यू है ना वो ये सब जो चीजें ना इसको से निकलने का वर्थ है वहां पे यार, ये तो मेरी बात मान लो। और सुपर बाइक्स लेके तो हम पहले बंदे हैं जो वहां पे जा रहे हैं, लिटरली बता रहा हूँ, लीडर क्लास बाइक्स लेके हम ही जा रहे हैं वहां पे, और कोई भी नहीं गया हुआ आई थिंक। लीन पे लीन गाइस देख रहे हो, मतलब इतना ही ज्यादा सेक्सी सीन हो रहा है ना यार। तुम देखो पहाड़ों के बीच में यार, इधर भी पेड़ इधर भी पेड़, बीच में से हमारी सुपर बाइक्स पूरी वादी को गूंजते हुए दहलाते हुए जा रही है। मां कसम यार ये एक्सपीरियंस ना अलग लेवल का है यार। वो बाइक्स का सीन पता क्या रहता है, तुम हाई अल्टीट्यूड वाली जगह पे जाते हो ना तो यहाँ पे पावर ड्रॉप हो जाता है यार आपकी बाइक्स का, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। सो अब आई डोंट नो यार क्या सीन है ये, बट होता है पावर ड्रॉप, शायद से पेट्रोल की वजह से होता होगा पावर ड्रॉप आई थिंक, मुझे जितना लगता है यार। A few moments later. गाइस बाइक क्रैश हो गई यार, बर्फ के ऊपर से पीछे बर्फ थी, बर्फ पे से बाइक स्लिप हो गई यार, शिट मेरा जीनोसो भी आगे निकल गया, पता नहीं क्या क्या टूटा होगा बाइक का यार, शिट यार बहुत गंदे तरीके से गिरी है बाइक, बहुत गंदे तरीके से गिरी है, शिट यार ओ भाई बहुत गंदा वाला क्रैश हुआ यार, हैंडल वैंडल टेढ़ा हो गया होगा बाइक का, शिट बहुत गंदा क्रैश हुआ यार, रुको मुझे बाइक साइड पे लगाने दो, शिट 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 भाई कैमरा ऑफ था, मैं बाइक से उछल के पता नहीं कितनी दूर पड़ा हूँ यार इस बर्फ में, ये बर्फ देख रहे हो, ओ शिट मेरे हाथ को भी लग गई यार बहुत ज़्यादा, बहुत गंदा क्रैश हुआ यार, बहुत गंदा क्रैश हुआ, मेरे हाथ को लग गई, गिरी यार बाइक, बाइक गिरी गाइस, ये देख रहे हो मिट्टी, ये देख रहे हो ड्राई आइस, इसके ऊपर से बाइक गिरी यार, देख रहे हो यार स्वेल हो गया हाथ,
शिट यार, इसके ऊपर से गिर गई। ओ गिर गई यार बाइक इसके ऊपर से। हाँ छुंडो के पड़ा यार मैं, कितना पता है कुछ बर्फ पे पड़ा मैं छुंडो के, उतर गिरी बाइक वो पीछे। ओ सीन हो गया यार, मैं बोल भी रहा था मैं कोई तेज था ही नहीं, शुक्र है मैं तेज नहीं था। गाइस अगर इस जगह पे मैं तेज होता ना बाइक वहां पड़नी थी कहीं जाके, नीचे भी गिर सकती थी भाई। बहुत गंदा क्रैश हुआ यार, बहुत गंदा क्रैश हुआ, पता नहीं क्या क्या टूटा होगा बाइक का यार। ये सीन होता है यार, ये देख रहे हो क्रैश गार्ड की हालत। देख यार इधर इधर आ, एग्जॉस्ट तो नहीं नीचे लगा गाइस, ये देख रहे हो एग्जॉस्ट भी नीचे लग गया यार। शिट शिट यार शिट यार, देख और देख और देख तो नहीं। हाँ क्रैश गार्ड की खैर है यार, बाकी देख और कुछ तो नहीं टूटा। क्रैश गार्ड नया लगा लेंगे। नहीं 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 बाकी तो नहीं है, आगे से ठीक है। ये मिरर ये कैसे नहीं टूटा यार मिरर, ये बचा रहा ना। हाँ गाइस क्रैश गार्ड ने बाइक बचा दी यार, बहुत नुकसान हो जाता नहीं तो। गंदा भी रहा यार गाइस, ये चेक करो यार, ये देख रहे हो रगड़ बच गई यार बेंड पाइप पे। शिट यार ये टूटा तो नहीं है कहीं से यार, चेक करना। हाँ गार्ड पूरा खत्म हो गया यार, क्रैश गार्ड पूरा रगड़ हो गया, टूट भी गया है देख, इधर क्रैश गार्ड टूट गया है देखो गाइस, क्रैश गार्ड टूट गया यार, क्रैक आ गया, क्रैश क्रैश गार्ड में क्रैक आ गया गाइस, ये देख रहे हो क्रैश गार्ड में क्रैक आ गया, क्रैश गार्ड टूट गया। शिट यार और पता नहीं क्या नुकसान हुआ होगा। हेडर्स देखना, हाँ फेयरिंग तो ठीक है, अभी पता नहीं चल रहा है यार। हाँ यार क्या सीन हो गया यार। हाँ ओ बिल्कुल आराम से था भाई, अगर तेज होता ना खाई में पड़ता। नट ढीला हुआ है, नीचे तो नहीं लगा है, देखना वहां से टूटा तो नहीं है। नहीं टूटा नहीं, ढीला हुआ है।